बच्चों नमस्कार, आपका बायोटेक चैनल में स्वागत है। जैसे बच्चों इसमें चल रहा है क्लासिफिकेशन, और जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो होता है, चाहे नीट का पेपर हो चाहे बोर्ड का पेपर हो, सभी परीक्षाओं में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज हम एक नया टॉपिक लेकर आते हैं, क्लास एवीज या उसे क्या कहते हैं, उसे हम बर्ड कहते हैं। क्लास एवीज या वो जो होता है बर्ड कहलाता है। अब होती है कि बर्ड में जो होता है इसमें लगभग ज्ञात और लुप्त और जीवित जातियाँ लगभग 9000 पाई जाती हैं, मतलब 9000 स्पीसीज जो है इसमें पाई जाती हैं, और चाहे लिविंग में हो और चाहे जो है वो एक्सटिंक्ट में हो जो है। अब होती है कि इनका जो पूरा शरीर होता है, जैसे कि देखिए यहाँ पर एक बर्ड है, ये हमने बर्ड बनाया है जो है, ये देखिए एक बर्ड है ये। अब होती है कि इसमें जो होता है, इसमें जो होता है पूरी बॉडी जो होती है फीदर से ढकी होती है वो, और इसे क्या कहते हैं, इसमें प्लूमेज कहते हैं। प्लूमेज माने पूरी बॉडी जो होती है वो फीदर से ढकी होती है, इसी क्या कहते हैं, इसे प्लूमेज कहते हैं। और यह जंतु जो होता है हमारे थर्मिक चेन पर आता है, जो हमारे थर्मिक मतलब ये होता है कि इसका बॉडी जो होता है, बॉडी का टेम्परेचर, हमारे ब्लड का टेम्परेचर जो होता है वो कहीं भी माने हमेशा नॉर्मल रहता है, जो है चाहे कहीं ले जाइए लेकिन नॉर्मल रहता है। अगली बात होती है इसकी बॉडी जो होती है स्ट्रीम लाइन बॉडी होती है, माने ज़्यादा रेखी होती है। स्ट्रीम लाइन में क्या होगा, आगे पतला पीछे पतला बीच चौड़ा होता है वो, इससे हवा से जो होता है हवा को खींचती हुई है आगे बढ़ती है वो। इसमें बीक पाया जाता है। लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। वेट जो होता है वेट किसका वेट कम हो जाता है वो। अब होती है इसमें आँख में, इसमें पेक्टिन पाए जाते हैं, आँख में पेक्टिन होता है, और पेक्टिन जो होता है एकामोडेशन, पेक्टिन जो है एकामोडेशन में जो होता है सहायक होता है वो, एकामोडेशन या समझने क्षमता में जो होता है सहायक होता है वो। इसकी बोन जो होती है न्यूमेटिक बोन होती है, माने बोन जो होती है खोखली बोन होती है, इसको न्यूमेटिक बोन कहते हैं वो। अब होती है इसमें जो फोर लिंब होता है, फोर लिम कन्वर्ट इंटू द विंग, माने जो जो अग्रपाद थे वो विंग में क्या हो गए, वो कन्वर्ट हो गए जो है वो। अब आती है इसमें जो हिंड लिम जो होता है वह नॉर्मल होता है, और उसमें जो होती है पेंटाडेक्टाइल, माने क्या मतलब, इसमें जो होती हैं चार टेक्टाडेक्टाइल, माने चार चार उंगलियाँ पाई जाती हैं, पंजे पाए जाते हैं, और ये पंजे डिफरेंट माने पल्सिंग के लिए और चलने के लिए और गुदर दुर्दर्शन के लिए जो होता है ये पंजे उपयुक्त होते हैं वो। तो हिंड लिम जो होता है यह नॉर्मल पाया जाता है, वो नॉर्मल मिलता है। अब होती है इसकी बॉडी स्ट्रीम लाइन होती है, बताया हमने। स्टर्नम इसमें लॉन्ग होता है, माने इसमें स्टर्नम जो होता है वह लॉन्ग होता है, लंबा होता है, और एक कील होती है, कील से जो होते हैं फ्लैट फ्लैट मसल लगी होती हैं, और जो 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 पंख होता है वह कील से क्या होता है जुड़ा होता है एक स्थान पर जो है वो। तुम्हारे स्टर्नम क्या होता है, स्टर्नम इसमें लाभ होता है। इसका हार्ट जो होता है फोर चैम्बर्ड होता है, फोर चैम्बर्ड माने कि इसमें क्या होते हैं, दो आर्किल होते हैं, राइट आर्किल लेफ्ट आर्किल, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, माने इसका हार्ट जो होता है वह फोर चैम्बर्ड होता है वो। इसकी जो किडनी होती है बेटा नेफ्रिक होती है, माने किडनी जो होती है वह मेटा नेफ्रिक टाइप रहती है। और अब आती है कि इसमें जो होता है यूरिक एसिड, ये यूरिक एसिड के रूप में स्पेक्टेड प्रोडक्ट को यूरिक एसिड के रूप में ये बाहर निकालता है वो। अब आती है इसमें क्या होता है, लेफ्ट ओवरी और ओविडक्ट डेवलप होता है वो, राइट ओवरी और राइट ओविडक्ट जो होता है वह वेस्टिजियल होता है वो, माने लेफ्ट ओवरी और राइट ओविडक्ट जो होता है इसमें डेवलप होता है वो। इसमें मार्गदर्शन की क्षमता पाई जाती है। लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। जब भी ठंडी पड़ती है तो कहीं उड़ करके जहाँ गर्म स्थान होता है, गर्म स्थान देश में पहुंच जाते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको मार्गदर्शन कहते हैं वो। इसके इंटेस्टाइन में क्राप और गिजार्ड पाई जाती है, गिजार्ड जो होता है भोजन को टुकड़ों में तोड़ने में जो होता है वो बड़े सुटेबल होता है जो है वो। इसमें लंग्स माने फेफड़े द्वारा श्वास करता है, और लंग्स में एयर सैक पाई जाती है, और इसी एयर सैक से क्या करता है ये, माने कि एयर सैक जो होता है ये हवा भरी होती है और इसको बॉडी को वेट वाला कर देता है, हल्का कर देता है, और उड़ने में ये मदद करता है वो।
अब आती है कि सीरीज पाई जाती है जिसकी की आवाज करता है ये, और इसमें क्रेनियल नर्व की संख्या बच्चों 12 जोड़ी होती है, माने कि जो खोपड़ी में नर्व होता है उसको हम क्रेनियल नर्व कहते हैं, और इसकी संख्या जो होती है वो 12 जोड़ी होती है। तो ये सब बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। अब आज इसमें कौन कौन, इसमें आता है नंबर एक क्रो होता है, कौवा होता है, नंबर सेकंड पैरट तोता होता है, नंबर थर्ड हाफ माने बात हो गया जो है वो इसके कमाने के सर इसमें बर्ड आती हैं। तो भाई पार्ट बच्चों वीडियो है ये, तो मैंने जैसा बताया कि इसकी जो होती ज्ञात और विलुप्त जातियाँ जो होती है वह 9,000 स्पीसीज पाई जाती हैं। पूरी बॉडी जो होता है फीजर से ढका होता है, इसे प्यूबस कहते हैं, और यह जो होता है एक हुमायूं थंबी एनिमल होता है जिसकी बॉडी जो होती है, बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वह हर जगह के लिए फिट होता है। वो इसकी बॉडी जो होती है स्ट्रीम लाइन बॉडी होती है, मन धारा रेडी होता है। ये इसके क्या फायदा होता है, आगे आगे पतला पीछे पतला बीच में चौड़ा होता है वो, इसको क्या कहते हैं, इसको स्ट्रीम लाइन बॉडी कहते हैं। इसमें बीक चोंच पाई जाती है, चोंच में दांत नहीं पाए जाते, इससे क्या फायदा होता है, बॉडी का वेट हल्का हो जाता है और उड़ने में से आसानी होती है। अब आती है इसमें आँख में पेक्टिन पाए जाते हैं, और ये पेक्टिन जो होता है एकोमोडेशन में तो ये सहायक होता है। इसकी बोन जो होती है न्यूमेटिक बोन होती है, बोन में एयर भरा होता है, इससे क्या फायदा होता है, इससे फायदा ये होता है कि ये जो होता है कहीं भी मतलब कि इसका बोन जो होता है न्यूमेटिक होता है, इससे क्या फायदा होता है, बॉडी का वेट हल्का हो जाता है और इसको उड़ने में क्या होती है आसानी होती है। वो अब होती है इसका जो फोर लिंब होता है, फोर लिंब कन्वर्ट इंटू द विंग माने पंखे मत बदल गए हैं। फोर लिंब जो है वो हिंड लिंब जो होता है नॉर्मल होता है, और डिफरेंट टाइप के लिए जो होता है जैसे कुछ पर्सिंग में और खाने में चलने में जो होता है हिंड लिंब सहायक होता है वो, और हिंड लिंब जो होता है इसमें पंजे पाए जाते हैं, क्लॉ पाए जाते हैं वो, और जिससे कि डाल को आसानी से पकड़ करके ये उसको डाल पर बैठ जाता है वो। इसकी बॉडी स्टिमनाइट हो जैसे बताया है वो, और इसमें स्टर्नम जो होता है लॉन्ग होता है, स्टर्नम लंबी होती है, और इसका हार्ट जो होता है फोर चैम्बर होता है जिसमें राइट आर्किल लेफ्ट आर्किल राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल पाए जाते हैं वो, माने दायां लिंब बायां लिंब दायां लिंब और बायां लिंब। इसी किडनी जो होती है मेटानेफ्रिक किडनी होती है, वो मेटानेफ्रिक किडनी इसकी होती है, राइट वाटर पॉइंट है ये। ये जो होता है यूरिक एसिड को बेस रूप में यूरिक एसिड को ये बाहर निकालता है वो, माने इस किस्म जो होता है किडनी प्रोडक्ट जो होता है वह यूरिक एसिड होता है। अब आती है इसमें लेफ्ट ओवरी और ओविडक्ट जो होता है प्रोजेक्ट डेवलप होते हैं, राइट ओवरी और लेफ्ट राइट ओविडक्ट जो होता है वह वेस्टिजियल पाए जाते हैं वो। इसमें जो होता है माइग्रेशन माने क्या मतलब कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर भले एक देश से दूसरे देश में जाने में जाने को माइग्रेशन कहते हैं। जब जब ठंडी पड़ती है उस स्थान से हट करके जहाँ गर्म देश होता है वहाँ पहुँच जाते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको माइग्रेशन कहते हैं। अब होती है इसमें क्राफ्ट और गिजार पाई जाती है, माने इंटेस्टाइन में क्राफ्ट और गिजार होता है, गिजार से जो होता है यह भोजन को तुरंत तोड़ता है वो। इसमें लंग्स में एयर सैक होते हैं जिससे कि उड़ने में से आसानी होती, बॉडी का वेट हल्का हो जाता है वो। इसमें आवाज़ करने के लिए सिलिंग्स होता है, और ट्वेल्व पेयर जो होता है इसमें क्रेनियल नर्व होते हैं, माने क्रेनियल नर्व जो होता है उसकी संख्या जो होती है वो ट्वेल्व पेयर होती है वो ट्वेल्व पेयर। अब अगले बात आती है लास्ट में होता है कि ए जो होता है ओवी पेरस होते हैं वो। ओवी पेरस माने क्या होता है, माने एग लेइंग होते हैं वो, माने कि एग को ये प्रोड्यूस करते हैं, और एग भी बहुत ही पौष्टिक होता है, जैसे मुर्गी अंडा खाया जाता है, बतख का अंडा खाया जाता है, माने अंडे जो होते हैं इसके बड़े पौष्टिक होते हैं, और अर्थात ये जो होता है ओवी पेरस होता है। तो बच्चों आज और इसमें कौन कौन आते हैं, इसमें आते हैं क्रो आते हैं, पैरट्स आते हैं, और हाफ करते हैं। तो बच्चों इतना इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि परीक्षाओं में चाहे नीट का पेपर हो चाहे बोर्ड का हो चाहे कोई एग्जाम डीजी की पीजीटी का हो, इसमें क्वेश्चन इससे बच्चों पूछता है। इसको वीडियो देखना ना भूलिए और शेयर करते रहो, करीब कम से कम जब 3-4 बार आप देखेंगे तभी आपको सारी बातें जो होती है समझ में आएंगी। कम से 3-4 बार देखने से ही आपकी बात कुछ समझ में आएगी। तो ये बच्चों आज है क्लास एबीज, क्लास एबीज के बारे में, एबीज माने क्या होता है, बर्ड होता है, उसके बारे में बात किया। अगले वीडियो में हम क्लास मैमेलिया माने क्लास मैमेलिया क्या लक्षण होते हैं और
किसी को कितना कठिन बांटा गया इस बारे में बच्चों डिस्कस करेंगे। नमस्कार, आपका दिन मंगलमय हो।